नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज। देहरादून में आज गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर देहरादून में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इस शोभा यात्रा को देखते हुए दून पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया है। इस रूट प्लान में पटेल नगर से सहारनपुर चौक जाने वाले वाहनों को पल्टन बाजार दर्शनी गेट होते हुए आड़त बाजार की तरफ से जाना होगा। पुलिस के यातायात प्लान के अनुसार गुरुद्वारा पटेल नगर से शोभा यात्रा के मुख्य मार्ग पर पहुंचने पर पटेल नगर मंडी और लालपुल से सहारनपुर चौक की ओर आने वाले यातायात को कमला पैलेस की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। इसी तरह देहरादून शहर में आज पूरे दिन शोभा यात्रा के अनुसार रूट प्लान में रोटेशन किया जाएगा। पुलिस के अनुसार गुरु नानक जयंती के मौके पर देहरादून में शोभा यात्रा के दौरान लोगों की सुविधा को देखते हुए दून पुलिस ने ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट कर रूट प्लान जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के 5 प्रमुख शहरों में सरकार 5 नई टाउनशिप यानी मिनी शहर विकसित करने जा रही है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की वजह से बढ़ रही आबादी के दबाव को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ की मोहाली सिटी के तर्ज पर इन शहरों को विकसित किया जाएगा। इनमें रिहायशी क्षेत्रों के साथ ही IT कंपनियों और रोजगार परक संस्थानों के लिए विशेष रूप से स्थान आरक्षित होंगे। वहीं इसके लिए विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। गठित फोर्स के विशेषज्ञ जिलावार आने वाले प्रस्तावों का अध्ययन कर टाउनशिप के विकास के लिए सुझाव देंगे। बता दें कि सरकार ने 5 साल के अंदर ये 5 शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में इस वक्त इन मुख्य जिलों में नगरीय क्षेत्रों की संख्या 100 से ऊपर है, जिनमें प्रमुख रूप से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में ही आबादी का दबाव ज्यादा है। सरकार की तरफ से जिलावार अधिकारियों से टाउनशिप के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद ही मिनी शहरों के लिए सबसे योग्य स्थान का चयन किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इन 2 मुख्य खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।